नीट स्कॉलर्स क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 10। स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को मैं ओरल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं। आप सिर्फ अगर चैप्टर को 3 या 4 बार सुन लेंगे ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहा हूं इसको। पहला क्वेश्चन है, टोडी, टी ओ डबल डी वाई, टोडी किसे कहते हैं? टोडी साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक है। साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है और इसको किस प्लांट से प्राप्त करते हैं? पाम। गुड, इसे ऑब्टेन करते हैं पाम प्लांट से। तो टोडी ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, ऑब्टेन फ्रॉम पाम बाय द फर्मेंटेशन, बाय फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन फाउंड इन कर्ड, B12। दही में कौन सा विटामिन है? B12। विटामिन B12। गुड आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिनो वायरस से कौन सी डिजीज होती है? एडिनो वायरस कॉजेज विच डिजीज? एडिनो वायरस से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। एडिनो वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड, गुड आंसर। नहीं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एसिडोबैसिलस या लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी फॉर चीज ऑब्टेन, रॉकी फोर्ट चीज किससे ऑब्टेन करते हैं? रॉकफोर्ट बैक्टीरिया से। रॉकी फोर्ट चीज को किससे प्राप्त करते हैं? रॉकफोर्ट से। रॉकी फोर्ट फंजाई से। रॉकी फोर्ट फंजाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस चीज SWISS, स्विस चीज ऑप्टेन, ऑप्शन देंगे स्विस चीज को किससे ऑप्टेन करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? और स्विस चीज वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, लार्ज होल होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होती है। प्रोपियोनी शर्मानी, हाँ, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द टर्म एंटीबायोटिक किसने दिया था? एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? द टर्म एंटीबायोटिक प्रपोज्ड बाय फ्लेमिंग, द टर्म एंटीबायोटिक प्रपोज्ड बाय ऑप्शन वॉक्समैन, देखो ये दिया था वॉक्समैन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटरल मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक इज अगेंस्ट टू लाइफ, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग
एंटीबायोटिक की जो लेटरल मीनिंग है वो अगेंस्ट टू लाइफ है, बट ह्यूमन बींग में क्या है? ह्यूमन बींग में एंटीबायोटिक की लेटरल मीनिंग है प्रो लाइफ, पी आर ओ एल आई एफ ई, प्रो लाइफ, नोट कर लें। विच एंटीबायोटिक यूज इन सेकेंड वर्ल्ड वार? सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन सी एंटीबायोटिक यूज की गई थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। नोबेल प्राइज किसे मिला था? चेन फ्लोरे एंड फ्लेमिंग। ईयर था 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क ऑन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे वर्क कर रहे थे? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे, स्टेफिलोकोकस पे, नोट कर लें। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क ऑन स्टेफिलोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्यूनो सप्रेसिव बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बताइए। साइक्लोस्पोरिन ए, राइट आंसर। इम्यूनो सप्रेसिव बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है ना, इज ए साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट पॉइंट। विच बायो एक्टिव मॉलिक्यूल यूज्ड इन ऑर्गेन ट्रांसप्लांट पेशेंट? यस, आंसर है साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूट्रिक एसिड ऑप्टेन फ्रॉम क्लॉस्ट्राइडियम ब्यूटी लिकम इज अ सोर्स ऑफ ब्यूट्रिक एसिड, इज अ सोर्स ऑफ ब्यूट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज ऑप्टेन फ्रॉम? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिट्रिक एसिड इज ऑप्टेन फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नोन एज ब्रीवर ईस्ट, किसको ब्रीवर ईस्ट कहते हैं? BREWR विच नोन एज ब्रीवर ईस्ट? सैक्रोमाइसिस सीरीबीसी ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रांडी ऑप्टेन ठीक है बाय डिस्टिलेशन, नंबर दो, विद डिस्टिलेशन ब्रांडी को जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। माइक्रोब्स में कौन कौन आते हैं? देखिए माइक्रोब्स इंक्लूड, ठीक है, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स बैक्टीरिया फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट वायरस एंड वायराइड्स VIROIDS। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, देखिए डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स, कौन सी डिजीज माइक्रोब्स के काटने से होती है, डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स। कोई सी लिख दीजिए, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, कोई सी लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलमोनेला टाइप ही होता है। वाइन एंड बियर आर ऑप्टेन विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन और बियर को बिना डिस्टिलेशन के ऑप्टेन कर सकते हैं, वाइन बियर को बिना डिस्टिलेशन के भी ऑप्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड, हैज इनिशिएटेड, पहला ऑप्शन ठीक है, राइट आंसर गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। नेक्स्ट, IARI का पूरा नाम बताइए, IARI IARI ऑप्शन नहीं है, खांदी एंड विलेज, ये तो KVIC का होगा, मैंने ये पूछा IARI, अच्छा IARI पूछा है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है KVIC, खादी फिर एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ट्राइकोडर्मा, देखिए ट्राइकोडर्मा फंजाई इज, पहला ऑप्शन फ्री लिविंग फंजाई, फ्री लिविंग फंजाई, ट्राइकोडर्मा फंजाई, फ्री लिविंग फंजाई। दूसरा देखिए, ट्राइकोडर्मा फाउंड इन रूट इकोसिस्टम, ट्राइकोडर्मा फाउंड इन रूट इकोसिस्टम, ट्राइकोडर्मा इफेक्टिव इन बायो कंट्रोल, इफेक्टिव इन बायो कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 180 पर, पेज नंबर 180 पर, कॉलोनी और बैक्टीरिया और फंगल कॉलोनी दोनों को, दोनों के डायग्राम हैं, आपको इसमें पहचानना है कि कौन सी कॉलोनी फंगल की है, कौन सी बैक्टीरिया की है, जिस पे वाइट स्पॉट हैं वो कौन सी कॉलोनी है, बैक्टीरिया की, गुड, और जिसमें है ना केवल एक स्पॉट है और चारों तरफ ग्रीन रिंग्स हैं वो कौन सी है, फंगल कॉलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 180 पर देखिएगा आप, 10.1 फिगर है और इसकी सी फिगर देखिए, सी फिगर में रॉड से बैक्टीरिया को दिखाया गया है, उसमें फ्लैजिला को, ए रॉड से बैक्टीरिया शोइंग फ्लैजिला, उसका मैग्निफिकेशन कितना है, रॉड से बैक्टीरिया शोइंग फ्लैजिला उसका मैग्निफिकेशन कितना है, पेज नंबर 180। पहला ऑप्शन है 5000x,
50,000 एक्स, पहला 5,000, दूसरा 50,000, तीसरा है 15,000 और फोर्थ ऑप्शन है 25,000 एक्स। फिफ्टी थाउजेंड एक्स। इसी तरह से फिगर 10.2 को भी देखिएगा, है ना, इसमें टीएमवी बैक्टीरिया रॉड शेप दिखाया गया है। टीएमवी बैक्टीरिया कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं। इसका मैग्निफिकेशन कितना है? इसका मैग्निफिकेशन कितना है? 1 लाख से 1.5 लाख एक्स। नेक्स्ट, ये मैंने वैसे ही डिस्कस कर दिया था, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग परफॉर्म्ड हिज वर्क ऑन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपना वर्क किस माइक्रोब पर कर रहे थे, बताइए। यस राइट, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट है, वॉक्समैन ने कौन सी एंटीबॉडी बनाई थी? टर्म दी थी वाली एंटीबॉडी बनाई थी एक स्टेप्टोमाइसिन, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लें। वॉक्समैन ने स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को बनाया था। एंटीबायोटिक की लैटरल मीनिंग क्या है? एंटीबायोटिक की लैटरल मीनिंग क्या है? जबकि एंटीबायोटिक एक ग्रीक वर्ड है, इसकी लैटरल मीनिंग क्या है? अगेंस्ट लाइफ। लेकिन ह्यूमन के लिए क्या है एंटीबायोटिक लैटरल मीनिंग? ह्यूमन के केस में क्या है? प्रो लाइफ लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटिन प्रोड्यूस बाय, स्टेटिन किससे प्रोड्यूस होता है? पहला ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा, दूसरा है मोनास्कस परप्यूरियस, तीसरा है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। जी बताइए कौन सा है? मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट होती है, तो मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट से स्टेटिन प्राप्त होता है और स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। ये होता ना लिवर में, स्टेटिन उस एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्टोकाइनेज प्रिवेंट फ्रॉम, स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे बचाता है? पहला ऑप्शन टैकीकार्डिया, दूसरा है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, थर्ड है हार्ट ब्लॉक। चौथा लगता कौन सा आंसर होगा इसमें? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट ब्लॉक से बचाता है, मायोकार्डियल क्लॉटिंग से खत्म करता है। आप सब करेगा ना, क्लॉट बच जाए तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मेन है, तो हार्ट ब्लॉक भी खत्म करेगा तो मेन है नहीं है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन तो खत्म। सर आंसर तीन ही, हार्ट ब्लॉक किसे कहते हैं? जब एवी नोड काम करना बंद कर देता है तो उसे हार्ट ब्लॉक कहते हैं, और जब पेसमेकर काम करना बंद कर देता है तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नोड़ होता है रेस में फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये बात नहीं बता पाएंगे। एथेनॉल, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, कौन सा माइक्रोब यूज करेंगे? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट। ये कौन सी फंजाई है? बेसिलोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस। ईस्ट कौन सी फंजाई है? बेसिलो, एस्को और फाइको। यस यस, ईस्ट एस्कोमाइसिटीज है, ईस्ट एस्कोमाइसिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल घोटू डिजीज का पैथोजन बताएं और इस डिजीज का दूसरा नाम भी बताएं। गाल घोटू, गाल घोटू डिप्थीरिया कहते हैं, ठीक है, डिप्थीरिया कहते हैं। अब इसका पैथोजन बताइए। क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थीरी। कौन डी क्या? क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थीरी। तो नाम से पता चल जाएगा, बैक्टीरिया के नाम में डिप्थीरी लगा हुआ है। नेक्स्ट गाल घोटू को डिप्थीरिया कहते हैं और डिप्थीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से, और टिटनस किससे होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनिस। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट जूस की बोतल को किससे वॉश करते हैं? फ्रूट जूस की बोतल को वॉश किससे किया जाता है? ऑप्शन नहीं है, याद नहीं है। पहला ऑप्शन है लाइपेज एंजाइम, फिर दूसरा ऑप्शन है प्रोटीएज एंजाइम, फिर तीसरा है स्टेप्टोकाइनेज एंजाइम, फिर चौथा है लाइपेजेस एंजाइम। ये तो पहले ही था लाइपेजेस। अच्छा एमाइलेजेस, एमाइलेजेस मतलब जूस की बोतल को, इसमें प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, लाइपेज का काम है, प्रोटीन से काम है। जूस की बोतल को वॉश किया जाता है प्रोटीएज एंजाइम से और पेक्टिनेज एंजाइम से। नोट करें, पेक्टिनेज एंजाइम एंड प्रोटीएज एंजाइम यूज टू वॉश द जूस बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? डिटर्जेंट जिससे कपड़े धो जाते हैं, कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? लाइपेजेस, लाइपेजेस तो है शायद। डिटर्जेंट में लाइपेज एंजाइम यूज करते हैं जिससे ऑयली स्टेन जो है रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ये ना ऑयली स्टेन, ऑयली स्टेन जो होते हैं उससे ये रिमूव हो जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम? एस्परजिलस नाइजर। यस राइट, एस्परजिलस नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलरी किसे कहते हैं? SLURY। वाटर प्लस वेस्ट, वाटर प्लस वेस्ट, वेस्ट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिलेरी में क्या करते हैं कि एनिमल के डंग को पानी में डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, मतलब गोबर को पानी में घोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स बाय विच मेथड? फर्स्ट वाली ट्रीटमेंट, फर्स्ट जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका सीवेज ट्रीटमेंट, जो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन बाय द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सेलज किसे कहते हैं? व्हाट इज प्राइमरी सेलज? जो फर्स्ट स्टेप उसे फिल्ट्रेशन के बाद जो बनता इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑल सॉलिड्स दैट सेटल्स फ्रॉम द ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द फिल्टर के बाद जो वेस्ट बच जाता है। देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में जितना भी सॉलिड बच जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सेलज बोलते हैं, ठीक है, मतलब सेडिमेंटेशन ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट उसे प्राइमरी सेलज कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, बीओडी का नाम क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, बीओडी टेस्ट मीजर द, बीओडी टेस्ट मीजर द, बीओडी टेस्ट क्या मीजर करता है? वाटर पॉल्यूशन लेवल, रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स, वो एरोबिक माइक्रोब्स होती है ना, मतलब जितनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन। नोट कर लें आप इसे, आपको याद नहीं था, BOD test measure that rate of uptake of oxygen by microbes. ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा water pollutant होगा। Yes. Pollute होगा। जितना ज़्यादा BOD होगा water उतना ही pollute होगा। क्योंकि वो filter करने के लिए ज़्यादा microbes ही होंगे। ठीक है। इसलिए ये तो बताया। BOD increase हो रहा है मतलब water polluted है। Water ज़्यादा polluted है। इसलिए microbes को grow करने के लिए oxygen ज़्यादा चाहिए। Next question. द सिक्वेंस ऑफ टैंक इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सिक्वेंस ऑफ टैंक इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट बताइए। सबसे पहला कौन सा टैंक, उसके बाद कौन सा उसके दोस्त, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, इसमें टैंक का सीक्वेंस क्या है? पहले यूज करते हैं एरेशन टैंक, एरेशन टैंक, और एरेशन टैंक के बाद यूज करते हैं सेटलिंग टैंक, और सेटलिंग टैंक के बाद यूज करते हैं डाइजेस्टर टैंक। तीन टैंक हैं, एरेशन टैंक, उसके आगे लिखे डैश करके सेटलिंग टैंक, डाइजेस्टिंग, अब तीसरा लिखे डाइजेस्टर टैंक, डाइजेस्टर टैंक। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड सेलज को वापस किस टैंक में भेजते हैं? एक्टिवेटेड सेलज को वापस किस टैंक में भेजते हैं? एरेशन टैंक में, एरेशन टैंक में, गुड, एरेशन टैंक में। नेक्स्ट पॉइंट, आइनोकुलम, देखिए आइनोकुलम सब्सटेंस, ठीक है, यह ऐसे लिखिएगा, विच सब्सटेंस यूज्ड एज आइनोकुलम इन सीवेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम में हम आइनोकुलम किसे कंसीडर करते हैं? एक्टिवेटेड सेलज को, एक्टिवेटेड सेलज को, एक्टिवेटेड सेलज
कि कुछ अमाउंट जो है वो अनुकूलन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टर टैंक से कौन कौन सी गैस निकलती है? गैस रिलीज फ्रॉम डाइजेस्टर टैंक, मीथेन है। गैस रिलीज फ्रॉम डाइजेस्टर टैंक बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत जरूरी नोट कर लें इसको। मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड, ये वो गैस है जो डाइजेस्टर टैंक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। IARI फुल फॉर्म क्या है, पूछ गया आपसे? हाँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट किसे कहते हैं? ग्लोमस हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल जो होता है इससे कोई हार्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसे पेस्ट पॉपुलेशन रिड्यूस बाय द स्पेसिफिक पेस्ट के लिए होता है। दूसरी बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं कैसे, ये बताइए आप करते कैसे? पेस्ट की संख्या को आप कैसे करते हैं? या तो फिर जानवर बायोलॉजिकल कंट्रोल ना, ये तो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, तो उसको है करते कैसे? तो जानवर इंट्रोड्यूस करते हैं, दूसरा इंसेक्ट। पेस्ट पॉपुलेशन या पैरासाइटिक पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? वो करते हैं सर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कॉटन वाले में करते थे, बीटी कॉटन में। बायोलॉजिकल कंट्रोल देखिए, समझिए, पेस्ट को उसके प्रीडेटर से कंट्रोल करते हैं। जैसे रैट है, रैट को कंट्रोल करने के लिए कैट छोड़ देंगे, तो कैट उसका प्रीडेटर हो गया। इसी तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट में क्या है, मतलब कोई एनिमल इंट्रोड्यूस करेंगे जो उन सबको क्या बन जाएगा? प्रीडेटर। प्रीडेटर ठीक है, और प्रीडेटर जो है पेस्ट की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी बर्ड बीटल रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ, लेडी बर्ड बीटल्स रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो एफिड्स, एफिड्स। ड्रैगन फ्लाई रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो, लेडी बर्ड बीटल एफिड्स की पॉपुलेशन को कम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट प्रोग्राम बीटी स्पोर, बीटी स्पोर ठीक है, बीटी स्पोर्स आर यूज बाय विच मेथड, विच टाइप ऑफ मेथड? बीटी स्पोर्स, हाँ, बायोलॉजिकल कंट्रोल में बीटी स्पोर को किस प्रकार यूज करते हैं पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए? पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए बीटी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है ना? आप क्वेश्चन को दोबारा समझिए, बीटी बैक्टीरिया से हम पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करते हैं, तो पेस्ट पॉपुलेशन रिड्यूस करने के लिए बीटी बैक्टीरिया को यूज किस तरीके से करते हैं? प्रीडेटर की तरह, प्रीडेटर की तरह नहीं नहीं मतलब हम फील्ड में इसको कैसे अप्लाई कराएंगे?
फूड्स बीटी जीन होता है उसमें, इसी बीटी बैक्टीरिया स्पोर्ट्स के रूप में पाया जाता है मार्केट के अंदर, शैशे होते हैं इसके, उन स्पोर्ट्स को पानी में घोल के हम स्प्रे कर देंगे पूरे प्लांट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस, बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। ट्राइकोडर्मा फंजाई यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है, एंड लिव इन रूट इकोसिस्टम, मतलब राइजोस्फीयर। ट्राइकोडर्मा फंजाई है, राइजोस्फीयर जोन में रहती है, मतलब रूट इकोसिस्टम में, और प्लांट पैथोजन को है ना कंट्रोल करती है। क्वेश्चन ये है कि जो ट्राइकोडर्मा फंजाई है इसका नेचर कैसा है? पहला ऑप्शन सिम्बायोटिक, दूसरा फ्री लिविंग, तीसरा पैरासिटिक, चौथा सेप्रोफिटिक। बताइए। पैरासिटिक। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई, नोट कर लें, ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंजाई है, ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंजाई है और ये रूट इकोसिस्टम में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस आर यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। आपको बताना है कि न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है या स्पीशीज को करता है या ऑर्डर को या फैमिली को? न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। हाँ, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस किस टैक्सोनॉमिक रैंक को या टैक्सोन को रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीशीज को, जीनस को, फैमिली को, ऑर्डर को? यस राइट, जीनस को करते हैं, ये जीनस को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्यूलोवायरस रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ पहला ऑप्शन बर्ड्स, दूसरे लिखे इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपॉड, तीसरा ऑप्शन लिखे क्रस्टेशियन एंड आर्थ्रोपॉड। कौन सा बताइए? बैक्यूलोवायरस। हाँ, बैक्यूलोवायरस रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ क्रस्टेशियन एंड, यस राइट, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपॉड। नोट कर लें इसको, बैक्यूलोवायरस रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएम का प्रोनाम क्या है? आईपीएम किसे कहते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, नाम बताएं उसकी। बायो फर्टिलाइजर, तीन नाम बताने आप दो बता रहे हैं सिर्फ। सर वो है एक एजेंटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी पूछ रहा हूं मैं, वो है एनेबिना, नॉस्टॉक और सिलोटोरिया।
नोट कर लें, ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीजेस द सॉयल फर्टिलिटी बाय एनेबिना नॉस्टॉक और ज़िरोडोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, ठीक है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है एक्वेटिक, एक्वेटिक एनवायरनमेंट। दूसरा देखें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। चौथा देखें, तीसरा ऑप्शन है हेलोफाइट्स एनवायरनमेंट, हेलोफिटिक एनवायरनमेंट। देखिए साइनोबैक्टीरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। हाँ, दो लिखना था आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री लिविंग, देखिए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, मतलब फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उन बैक्टीरिया का नाम बताएं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। यस, एज़िरोबैक्टर एंड और एक और है एसीएसी, एज़ोस्पाइरलम। एज़िरोबैक्टर एंड एज़ोस्पाइरलम दोनों क्या है, फ्री लिविंग है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर बताइए, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का मेन सोर्स क्या है, बैक्टीरिया फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, तीनों ही है, बैक्टीरिया फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बायो फर्टिलाइजर का जो सोर्स है वो बैक्टीरिया भी हैं, फंजाई भी हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोबैक्टीरिया भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है इन माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इन माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इन माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन कॉमा, दस कर दीजिए, और फंगल हाइफी, फंगल हाइफी, फंगल हाइफी प्रोवाइड, प्रोवाइड विच एलिमेंट टू द रूट सेल, फंगल हाइफी कौन सा एलिमेंट रूट को देती हैं, फास्फोरस, फास्फोरस। देखिए जब माइक्रोराइजा का रिलेशन होता है तो फंगल हाइफी है ना, फास्फोरस को देते हैं प्लांट को, ठीक है, और उसके बदले में क्या लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, फंगल हाइफी। हाँ, तो फंगल हाइफी कैसे करते हैं, माइक्रोराइजल,
माइक्रोराइजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट के लिए आपने, विच एंटीबायोटिक यूज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? पेनिसिलिन। नेक्स्ट पॉइंट है, यस आप बताएं, एलेक्जेंडर ने पेनिसिलियम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को किससे ऑब्टेन किया था? पेनिसिलियम, आप पूरा नाम बताइए, नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। पेज नंबर 180 पर बैक्टेरियोफेज का डायग्राम बनाएं, उसको याद कर लीजिएगा। और बैक्टेरियोफेज के डायग्राम में जो टेल फाइबर हैं उसके टिप पर देखिए, क्या लिखा हुआ बताइए, बैक्टेरियोफेज वायरस की टेल फाइबर की टिप पर क्या लिखा है? प्रॉन्स, क्या लिखा है? प्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्मेंटेड बीवरेजेस ऑप्टेन विदाउट डिस्टिलेशन,